अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं सभी चीज़ को मैं कट करके रख ली हूँ। इधर मैं दो प्याज काट के रख ली हूँ, दो आलू बड़े साइज में इसे कट करके रख ली हूँ। इधर मैं तीन टमाटर काट के रख ली हूँ, हरा मटर ली हूँ कटोरा। इधर मैं थोड़ा सा पुदीना कोतीमीर बारीक काट ली हूँ, थोड़ी सी कड़ा पत्ता, दही आधा लीटर ली हूँ, पर सारा नहीं डालूँगी, आधा ही डालूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसी चम्मच से मैं दो दो चम्मच ली हूँ। इधर तरकारी में मैं ली हूँ बिनिस, गाजर, हरी मिर्च और चुकंदर, इन सभी को मैं कट कर ली हूँ। इधर मैं तेल ले ली हूँ। इधर गैस को चालू करके पतीली रख दी हूँ, गर्म हो गया है। अब इसमें तेल डाल देती हूँ। इसी चम्मच से मैं चार चम्मच तेल डाल देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी तरकारी पुलाव। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। दालचीनी, लौंग, इलायची, साजीरा और ये मसाला, ये सभी को इसमें डाल देती हूँ। तीन तेज पत्ता इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें प्याज भी डाल देती हूँ। प्याज को लाल कर लेती हूँ। प्याज लाल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। कड़ी पत्ता को डाल दी हूँ। अब इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देती हूँ। टमाटर को डाल दी हूँ, इसे अच्छी तरह चला दी हूँ। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और इसे भून लेती हूँ। दो मिनट अदरक लहसुन पेस्ट को भून लेती हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट को भून ली हूँ अच्छी तरह, इसे दो मिनट भून ली हूँ। टमाटर भी गल गया है। अब इसमें आलू डाल देती हूँ और इसमें हरा मटर डाल देती हूँ। इसमें सभी सब्जी को मैं डाल देती हूँ और इसमें पुदीना कोतीमीर को भी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। अब इसमें दो से तीन मिनट तरकारी को भी पका लेना है, इसमें भून लेना है। सब्जी को दो मिनट इसमें पका ली हूँ। अब इसमें दही डाल देती हूँ। दही को मैं आधा कटोरी दही ली थी, फेंट ली हूँ दही को। अब इसमें मसाले डाल देती हूँ। ये दो चम्मच गरम मसाला है, दो चम्मच बिरयानी मसाला, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, एक चम्मच धनिया पाउडर और इन सभी चीज़ को अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ और इसमें एक मिनट और भून लेती हूँ। एक मिनट मसाले को भून ली हूँ। अब देख सकते हैं तेल साइड से छोड़ दिया है। मसाले को जब तक भूनना है जब तक तेल ना छोड़ दिए। अब इधर मैं चावल धुल के रखी थी, सभी चावल को इसमें डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ। चावल को अच्छी तरह मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी को मैं डाल दी हूँ। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। अब इसे चला देती हूँ। अब इसे ढक देती हूँ पकने के लिए। ये पकना स्टार्ट हो गया है, इसे चला देती हूँ। इसे मैं चला दी हूँ, इसे मैं फिर से चला देती हूँ। अभी भी इसमें थोड़ा पानी है, आज को स्लो कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। स्लो आते इसे पका लेती हूँ। इधर ये देख लेती हूँ हो गया कि नहीं, ये हो गया है। अब इसे निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं खाने को मैं निकाल ली हूँ। ऊपर से नारियल का चटनी रख लेती हूँ। नारियल के चटनी के साथ ये तरकारी का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। मैं आज बनाई तरकारी का पुलाव। आज की मेरी वीडियो और सबको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।